जय मां भारती। मैं मदन अग्रवाल, जम्मू वाले। हम आपको आज कुछ ऐसी बीमारी के बारे में बताएंगे जो सब्जियां और फ्रूट से खत्म हो जाती हैं। आपको आज नेचुरल वेजिटेबल थेरेपी, जैसे हम किसी को फ्रूट से कोई चीज बताते हैं, सब्जियों से बताते हैं, और हम जो कुछ भी बताते हैं वो हमारी रसोई के अंदर होता है। कोई चीज आपको ऐसी नहीं हम बताते जो आपकी सेहत को नुकसान करती है। मैं अपनी जिंदगी के 40 से 50 साल इसी काम में लगाए हुए हैं, इसी को सीखने में लगाए हैं। साधु संतों के बीच में रहा, मैं एक दुकानदार आदमी हूं और मैं कोई डॉक्टर भी नहीं हूं। मैं सिर्फ खाने पीने से आपकी सेहत, आपका ध्यान, आपकी उम्र बढ़ेगी, इन चीजों से आपको बताता हूं कि आप जो खाएं, इन चीजों से आपकी सेहत और आपकी उम्र बढ़ेगी। आज मैं आपको गैस के बारे में और कॉन्स्टिपेशन के बारे में आपको बताऊंगा, जिसको हिंदी में कब्ज भी कहते हैं। सुबह लोग उठते हैं, आधा आधा घंटा वॉशरूम में जाते हैं, कोई सिगरेट पीता है, कोई चाय पीता है, और वो उनका पेट जो है वो खाली नहीं होते, वो फ्रेश नहीं होते। सारा दिन वो कब्ज, गैस, कॉन्स्टिपेशन की वजह से 24 घंटे परेशान रहते हैं। आज मैं आपको जो भी बताऊंगा वो एक छोटा सा और सरल तरीका है, और आपको 4 से 10 दिन के अंदर आपको ऐसे लगेगा कि कभी मुझे कब्ज या गैस की बीमारी हुई ही नहीं। आप रंग बिरंगे चूर्ण, रंग बिरंगी दवाइयां खाते हैं, जिससे आपकी जो अंदर की अंतड़ियां हैं वो कमजोर हो जाती है। आपने सिर्फ छोटा सा तरीका है जो आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि मेरी जिंदगी के 50-40 साल मैंने इसी तरह साधु संतों के बीच उनका खाने का तरीका, उनका भोजन ऐसा देखा है कि वो इतना सादा खाना खाते हैं कि जिससे उनको बीमारी का पास भी नहीं गुजरती। जब तक हमारा खान पान ठीक नहीं होगा हम ठीक नहीं रहेंगे। आज मैं आपको जो गैस और कब्ज के बारे में बता रहा हूं, उसके लिए आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आपको चाय कोशिश करनी है कि हम ना पिए, कॉफी और मसाले, ये 3-4 चीजें, जैसे गर्म चीज है, नॉन वेज है, इन चीजों को जितना आप छोड़ सकते हो उतनी जल्दी आप तंदुरुस्त भी रहोगे और आपकी जो उम्र है वो भी बढ़ेगी। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरी जिंदगी का तजर्बा है। मैं 70-72 साल का आदमी हूं और मुझे ये पिछले 40-30-35 साल हो गया लोगों की चीजें ये बताते, नेचुरल वेजिटेबल थेरेपी। आप कई किस्म के चूर्ण आते हैं, कई किस्म की टिक्कियां आती है, अब रात को सोते हैं फिर खाते हैं, सुबह फिर भी उनका पेट साफ नहीं होता। आज मैं आपको एक छोटी सी बात बार बार कहता हूं कि जब भी आप सुबह नाश्ता करो, नाश्ते के साथ कम खाना खाना है। अगर आपने 200 ग्राम खाना खाना है तो उस नाश्ते में आपको वो चीजें, हल्की चीजें लेनी चाहिए जिससे आपको पेट में आपका संतुलन बैठा रहे। ये मदन अग्रवाल जी जो बात आपको बता रहे हैं, सिर्फ उसको एक बार गौर करें। गौर करने के बाद आपको ये जरूर पता लगेगा कि कौन सी बीमारी किस सब्जी के साथ ठीक होती है, कौन सी बीमारी किस फ्रूट के साथ ठीक होती है। आज मैं आपको पपीते के बारे में बताऊंगा। जो पपीता आप लोग खाते हो, उस पपीते से आपका सबसे पहले, अगर आप सुबह नाश्ते में एक प्लेट पपीता ले लो और उसके ऊपर काली मिर्च, जिसको ब्लैक पेपर कहते हैं, और थोड़ा सा नमक डाल के साथ में ब्रेकफास्ट ले लो, तो 4 दिन के बाद जो आपका कब्ज और कॉन्स्टिपेशन है वो आपका अपने आप बराबर होना शुरू हो जाएगा। वॉशरूम में जाओगे 2 मिनट में आपका पेट हल्का, और गैस
पता भी नहीं चलेगी कि गैस है कहां। आपको सबसे पहले दो चीजें करनी है, आपको बढ़िया पहले नंबर मैं जितना भी आपको खाना खिलाता हूं, जितनी भी आपको सब्जियां देता हूं वो स्वादिष्ट होती हैं। जितनी स्वादिष्ट सब्जी हम खिलाते हैं, जितना स्वादिष्ट फ्रूट हम खिलाते हैं वो कोई भी नहीं खिलाता। आज आपको गैस और कब्ज के बारे में हम जो आपको बता रहे हैं उसको चाहे आप घर में बैठे हो, अपने हाथ में एक कॉपी और पेन ले लो, उसको एक बार लिखना है तो नोट कर लो। सुबह जब हम नाश्ता करते हैं आपको एक ग्लास जिसके अंदर कम से कम 300 ग्राम शेक होना चाहिए। शेक भी किस चीज का? पपीते का। एक बड़ी फाड़ी 100 से 150 ग्राम पपीता, 100 से 150 ग्राम दूध और 100 से 150 ग्राम पानी। इसके अंदर चीनी नहीं डालनी। गर्मी हो तो आप इसके अंदर थोड़ी बर्फ डाल सकते हो। जब भी ब्रेकफास्ट करें एक ग्लास ये शेक जरूर साथ में पिए और बड़े आराम से पिए, बड़े आराम से ब्रेकफास्ट करें, उसके बाद आप दोपहर का भोजन करें। इसके साथ आपको दो प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, पहली गैस, दूसरी कब्ज। चीज सिर्फ एक ही लेनी है, पपीते का शेक। आजकल 12 महीने पपीता मिलता है। एक फाड़ी 100-150 ग्राम, 100 ग्राम भी बहुत है, 150 ग्राम भी बहुत है, 100-150 ग्राम का पपीता, 100-150 ग्राम दूध, 100 ग्राम पानी। अच्छी तरह उसको मशीन में, मिक्सी में करके शेक करके सुबह ब्रेकफास्ट के साथ ले लें। और दूसरा, जब हम रात का खाना खाते हैं, खाना थोड़ा जितना रोज खाते हो उससे 10-20 ग्राम कम खाना है, और उसके साथ भी इसी तरह एक गिलास शेक लेना है जिसका कम से कम क्वांटिटी 300 ग्राम हो। आप 350 ले सकते हो, 350 ग्राम नहीं, 300 ग्राम उसी तरह शेक बना के रात को फिर लीजिए। अगर रात वाले शेक में अगर आप दूध ज्यादा डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, रात वाले शेक में पानी मत डालिए और उसमें चीनी नहीं डालनी जिसको हम शुगर कहते हैं। आप ये दूसरी बार आपको इस शेक को आप बड़े आराम से ले सकते हैं। जब आप ये चीज 2-3 दिन जो भी आप दवाई खाते हो जैसे कब्ज की, गैस की, ये सब छूट जाएंगी। और जो आप कब्ज की, गैस की दवाई खाते हो उसके अंदर आपकी अंतड़ियां, आपके पेट के अंदर सूजन, ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। मैं मदन अग्रवाल जम्मू वाला आपको ज्यादा ना कहते हुए यही इतनी सी बात कहता हूं कि जो मेरी जिंदगी का तजर्बा है, आपकी उम्र बढ़ेगी, आपके काम आएगी और कोई फालतू पैसा नहीं लगना। पपीता है वो आपके घर में होता है, दूध है वो आपके रसोई में होता है, पानी है वो आपकी रसोई में होता है, नमक चीनी जो भी आपने खाती है वो सब कुछ आपके रसोई में मिलेगी। पपीता खाना है तो आपको काली मिर्च और नमक आपकी रसोई में मिलेगी। ये नहीं है कि मैंने जो कुछ बताया उसके लिए सुबह आपको झोला उठा के मार्केट में पहले जाना पड़ेगा। आप एक पपीता ले आओ, फ्रिज में रख दो, आपका 4 दिन भी चलेगा, 3 दिन भी। आपको हो, आपके किसी भाई बहन को, माता पिता बच्चे को हो, तो आप एक बार इस चीज को जरूर इस्तेमाल करें। मैं बार बार ना कहते हुए आपसे ये विनती करता हूं कि मैं मदन अग्रवाल जम्मू वाला आपको बार बार विनती करता हूं कि ये मेरी नेचुरल थेरेपी है और मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। मैं नेचुरल सिर्फ लोगों को बताता हूं कि ये खाओ आपको ये बीमारी दूर हो जाएगी, ये पियो ये बीमारी दूर हो जाएगी। मैं बार बार आपसे विनती करता हूं, आप इसको जो हमारा वीडियो है ये बाकी लोगों को भी, बाकी मेरे भाइयों माता पिता को भी शेयर करो जिससे उनको इस वीडियो से फायदा हो। और कुछ मैं ज्यादा ना कहते हुए आपसे ये विनती करता हूं, गैस और कब्ज कॉन्स्टिपेशन जिसको बोलते हैं ये जड़ से खत्म हो जाएगी। सिर्फ आपको इन चीजों पे ध्यान करना है, पपीता, पपीते का शेक दिन में 2 बार, और कोशिश करो कि जितनी गर्म चीजें हो कम खाओ जब तक आपका पेट का सिस्टम ठीक ना हो जाए। जिस इंसान का पेट ठीक नहीं वो बीमारियों से घिरा रहेगा। जो आदमी अपने पेट को दुरुस्त रखता है उसको कभी बीमारी आती ही नहीं है।
और सुबह एक बार दो बार में आपका पेट खाली और सारा दिन फ्रेश अपने आप को हल्का महसूस करोगे। जय माता दी, जय मां भारती।